तो इस वक्त पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में हम मौजूद हैं और एक बगल में एक बुजुर्ग खड़े हैं हमारे। बोल रहे थे सर कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता काफी दूर है ना यहाँ से? बहुत दूर है, 1400 किलोमीटर। अच्छा, कितना? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर दूर से आप अकेले आए हैं केवल? अच्छा, ये क्या टिकट निकाल रहे हैं? अरे अंकल, हम सबूत नहीं मांग रहे थे आपसे। ये वो बात नहीं है, देखिए इसमें वेटिंग चल रहा था, वेटिंग से कन्फर्म हमको मिला। ये वेटिंग देख लो भैया, ये वेटिंग था और ये कन्फर्म हुआ है अंकल का ये टिकट। अच्छा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा से कितने दिनों से जुड़े अंकल? हम तो बहुत दिन में टीवी पर देखते थे, उनका प्रोग्राम बराबर सुनते रहते। आस्था चैनल पर आप देख? हाँ, आस्था चैनल पर। हम इसे आपके लगाव हमको जुड़ गया उसी समय से, इनसे जुड़ने से। लेकिन हमको बहुत फायदा हुआ, मन में आया कि नहीं हम एक बार जरूर जाएंगे। हमको एक ही लालसा रहा कि पंडित गुरु जी जो हैं उनसे देखा करने का। अच्छा, देखने के लिए आप आए थे? नहीं, मिलने उनसे। उनसे मिलने आप आए थे? मिलने के लिए हम खास कर करके उनसे एक बार जरूर मिलेंगे। ये जो भविष्य में कभी भी हम भी कल यहाँ पे आप आए कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ जो मनोकामना आप मांगते हो पूरी होती है। जितने लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया, आपने एक एक को देखा है कि देखे। अभी तो हम फर्स्ट मरतबे आए हैं, पहला चांस आया है। मतलब पहली बार आप कुबेरेश्वर धाम में आए? हम अभी पहली बार आए हैं, इसके बाद देखेंगे। यदि होगा, बाबा का कृपा हो गया, तो एक बार हम भी बाबा अकेले चले आए कलकत्ता से। मैं लगाव के कारण, बस कुबेरेश्वर महादेव से लगाव था, इसलिए कलकत्ता से अकेले चले आए। उम्र कितनी होगी आपकी? 68। 68 साल की उम्र है आपकी और आप अकेले चले आए। अगली बार परिवार को भी लेके आइएगा, बाबा का इच्छा होगा तो जरूर लेके आएंगे। सब तो देखिए, अपने मन से कोई भी कुछ नहीं होता है। जब तक उनका इच्छा नहीं होता है तब तक। आज हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि जाएंगे। वो जो अथि लगे थे उस समय भी हम सोचे आने का, लेकिन नहीं आ सके, इनका इच्छा नहीं था। अब हर बार बोले ठीक आ गए। क्या बात है अंकल, आप इसी विश्वास पर हम बस मतलब लगाव हो गया था तो कलकत्ता से आप अकेले चले आए ट्रेन में बैठ। हाँ, क्या बात है अंकल, आप हमेशा खुश रहे हैं। बाकी आपकी कोई ऐसी मनोकामना लेकर आए हैं आप? मनोकामना लेकर आए हैं तभी तो। अच्छा, मनोकामना भी लाए हैं। चलिए, मनोकामना मत बताइएगा, मन में रखिएगा। वो कैसे बता देंगे, वो तो बताने का है ही नहीं, वो तो सिर्फ वही जानते हैं, हम ही जानेंगे। बिल्कुल, दोनों के बीच की बात है, जब मनोकामना पूरी हो जाए जब जरूर बताइएगा। वो तो सारी दुनिया देख लेगा, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद तो सारी दुनिया देख लेता है। क्या बात है अंकल, आपसे मिलके अच्छा लगा। और आप बात नहीं है, देखिए हम तो इतना अभी यहाँ से फिर निकलेंगे तो उज्जैन जाएंगे, महाकाल, महाकाल के दरबार में। महाकाल लोक अभी बना है वहाँ पे, जरूर घूम के आइएगा। वहाँ से फिर हम इंदौर जाएंगे। मतलब टूर करने आए हैं पूरा आप? नहीं नहीं, बस यही तीन वो जगह पर। ये तीनों जगह पे, महाकाल के दरबार में भी आपको अच्छा लगेगा जिस तरह से यहाँ पे लगा है। हम इंदौर जाएंगे, ओमकालेश्वर, ओमकारेश्वर भी आप जाएंगे। दो ज्योतिर्लिंग हैं वो, 12 ज्योतिर्लिंगों में से है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग पूरा होगा, 5 ज्योतिर्लिंग हो गए। क्या बात है अंकल, और कुबेरेश्वर धाम में भी आप आ गए, सबसे अच्छी बात ये रही। नहीं तो मैं प्लान बनाया कि पहले कुबेरेश्वर धाम में 2-4 दिन रुकेंगे यहाँ। कितने दिनों से आप रुके? हम 14 तारीख को यहाँ शाम में आए थे, 15 को यहाँ आए हैं। 15 को आप आए, अच्छा लगा यहाँ पे रुक के? हमको तो अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, आगे भी आपको बढ़िया लगेगा अंकल, देखिए बाबा का इच्छा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल कलकत्ता से चले आए, भैया बोल रहे हैं कि एक छोटा सा जो लगाव है ना, वो लगाव हमको खींच के कुबेरेश्वर धाम लेकर आ गया। 68 की उम्र है अंकल की और कलकत्ता से अकेले ट्रेन में बैठकर चले आए। बस एक टीवी से लगाव था, है ना, टेलीविज़न से लगा हुआ था आपको? हाँ, ये टेलीविज़न वाला लगाव था पंडित प्रदीप जी मिश्रा से, टीवी में देखे और कलकत्ता से मध्य प्रदेश का टिकट लिया और सीहोर में आ गए, और सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में आ गए और 3-4 दिन यहीं पर रुके हैं। और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे भी महादेव महाकाल के दरबार में हो जाएंगे।
तमाम सारी चीज़ें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।